अब मैं आपके पापा को इनवाइट करना चाहूंगा, तो मैं चाहूंगा कि आपके पापा आए, प्लीज कम। तो आज हमारे बीच में मुकेश सर हैं, ये मेरे भी सीनियर हैं और ये क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, बहुत बड़ी कंपनी को ये मैनेज करते हैं और मैं अपने आप को मतलब बहुत प्राउड फील कर रहा हूँ कि ऐसे सीनियर लोगों के साथ मुझे आज मंच शेयर करने का मौका मिल रहा है। ये मेरे लिए एक फॉर्चुनेट की बात है, ये मेरे सीनियर हैं, मैं भी सीए हूँ लेकिन ये मेरे सीनियर हैं और मेरे से ज़्यादा इन्होंने दुनिया देखी है और इतने सीनियर पोस्ट में रहने के बाद इतना अच्छा अपने बच्चों को तालीम देना, मैनर सिखाना, इतना अच्छा उनको एक मतलब एक रास्ता दिखाना एक बहुत बड़ी बात होती है। क्योंकि नॉर्मली हम लोग जो फेस करते हैं बहुत बिजी हो जाते हैं, हमारे पापा हम लोग देखते हैं कि बहुत बिजी होते हैं, हम लोग के लिए इतना टाइम नहीं दे पाते, लेकिन हाँ पापा हमेशा सपोर्ट करते हैं। लेकिन टाइम निकालना, टाइम देना और एक सही डायरेक्शन में मूव कराना और आज ऑल इंडिया रैंक वन एक बच्चा लाया, तो मेरे ख्याल से आज इनको ये महसूस हो रहा होगा कहीं ना कहीं अगर मैंने नहीं लाया तो आज मेरा सपना वो पूरा हुआ। आज बच्चों से ही अपना सपना पूरा होता है ये मैं कह सकता हूँ। तो एक आपने तो सबसे सब्जेक्ट के बारे में पता था, आपने बोला था नहीं ये पेपर अच्छा नहीं हुआ तो वो पेपर दे देना, मतलब आपने यू कॉन्स्टेंटली मोटिवेटेड हिम, सो यू नो आपको पता था कि कहाँ मेरा बच्चा हार सकता है, कहाँ मेरा बच्चा टूट सकता है, आपने कॉन्स्टेंटली उनको मोटिवेट किया। और कैसा आपको फील हुआ, क्या आप कहना चाहते इस समय के बारे में, क्योंकि ये हमेशा के लिए ये मेमोरी में चला जाएगा फिर। तो आज का मैं चाहता हूँ अपने जो दिल की बात है आप बताइए, आज के यूथ को आप क्या कहना चाहेंगे, आज के जेनरेशन को क्या कहना चाहेंगे कि आज उनको क्या करना चाहिए कि वो भी इस मुकाम को हासिल कर लें, प्लीज गो अहेड। क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स नहीं हेल्प कर पाते क्योंकि उनको उनका स्ट्रीम नहीं होता, ये उनको जैसे मेरे पापा को तो पता भी नहीं था मैं पढ़ाता क्या हूँ, मेरे पापा को नहीं पता, अभी तक नहीं पता है कि मैं SFM पढ़ाता हूँ, AFM पढ़ाता हूँ, हाँ बेटा पढ़ाता है बस ये पता है, ठीक है। तो एनीवेज आपने बहुत अच्छे से गाइड किया, तो हम चाहते हैं कि हमारे जो यूथ जो यहाँ सुन रहे हैं उनको आप बहुत अच्छे से गाइड कर सके, प्लीज। मैं ज्यादा कुछ नहीं करना चाहता, मैं ये बच्चों से यही कहना चाहता हूँ कि आप जो भी करें मेहनत करें, ईमानदारी से करें, ऐसा नहीं कि भी मम्मी देख रही है या पापा देख रहे हैं कि मैं 15 घंटे बैठा हूँ, 10 घंटे बैठा हूँ, उसको कोई मायना नहीं रहता। आप जितनी देर करें अच्छे से करें और मन से करें, और शाम को सोते समय, रात को सोते समय एक मतलब अपना आपका मूल्यांकन करें पूरे दिन का, हमने क्या किया पूरे दिन में, हमने क्या किया, और अपने आप का आंकलन करें। और ज़्यादा कुछ नहीं करना, एक रूटीन फॉलो करना है और अपने पेरेंट्स की बातें तो ज़रूर माननी है क्योंकि वो ज़्यादा अनुभव रखते हैं और उन अनुभव का अपने को फ़ायदा उठाना है। बाकी तो सर जैसे शिक्षक जैसे मिल जाए तो अपने आप भी हो जाता है, आगे की तो अपने आप हो ही जाता है। और तो मेहनत तो करनी पड़ेगी, शॉर्टकट तो कुछ होता नहीं है इसका, क्योंकि मेहनत बिना तो कुछ हो नहीं सकता। और ये तो प्रोफेशनल एग्जाम्स हैं, इसमें हार नहीं माननी चाहिए, एक अटैम्प्ट नहीं हुआ सेकंड भी हो जाएगा, सेकंड नहीं हुआ थर्ड हो जाएगा, लेकिन हार नहीं माननी चाहिए। जब ज्वाइन करें तो ये सोच के करना चाहिए कि कितना टाइम लगेगा ये पता नहीं। जैसे कहते हैं कि भाई लेडीज से उसकी एज नहीं पूछनी चाहिए, ऐसे ही CA CMA से अटैम्प्ट नहीं पूछनी चाहिए, और ये सत्य है, हमें भी बहुत अटैम्प्ट लगे थे। तो जो हमारे पास जो अटैम्प्ट लगे थे, जो कमियाँ रह गई थी, वो हमने कोशिश की कि पीयूष को गाइड करें कहाँ हम कमी रह गई थी, हम कहाँ हमसे चूक हो गई थी, हम क्या ऐसा क्या नहीं कर पाए कि हम AIR तक नहीं पहुंच पाए, या हम विद इन पीरियड जो स्पेसिफाई पीरियड है उसमें नहीं कर पाए। तो ज़्यादा नहीं करना चाहता बस ये, बाकी तो सर जैसे शिक्षक हों तो हो ही जाता है, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन मेरा कहना फिर भी ये है कि जैसा कहे उसको इम्प्लीमेंट करें, ऐसा नहीं कि सुन लिया सर से और अपना ठीक है बस, एक इधर से सुन लिया उधर से निकाल लिया, या एक या दो दिन कर लिया बाकी छोड़ दिया, ऐसा नहीं, उसको रेगुलर करें। मतलब मैं अगर आपकी बातों का एक समरी निकालूं तो आपको डेली रात को ये इवेल्युएट करना है कि आज आप कितना आप अपने आप को ग्रो महसूस कर रहे हैं, कितना आपने आज पाया, क्या आपने पाया, क्या आप बेटर कल कर सकते हैं। दूसरा एक कंसिस्टेंसी रखिए। तीसरा, आप जब एक कोर्स में एंटर कर चुके हैं तो ईमानदारी बहुत जरूरी चीज होती है कि वो आपको किसी से दिखाने की जरूरत नहीं होती, पापा मम्मी फ्रेंड्स को नहीं दिखाना है, अपने आप से जब आपको खुद लगे कि नहीं हाँ आज मैंने अपना बेस्ट दिया है तो आप बेस्ट हो, बस यही एक इवैल्यूएशन हो सकता है, मेरे ख्याल से यही आप कहना चाह रहे थे। तो और पीयूष के बारे में आप कुछ कहें तो अच्छा रहेगा। पीयूष तो क्या है, शुरू से मेहनती है, वो जैसा उसको गाइड कर दिया, मतलब उसका क्या फेथ है,
पापा जो कहेंगे वो फाइनल है, वो विश्वास, और विश्वास सबसे मेन है। उसके लिए क्या है कि जो फादर मदर है उनको भी टाइम निकालने मजबूर कर देता है कि आपको कैसे भी करके हमें टाइम देना ही पड़ेगा, चाहे आप कितने भी बिजी हैं। तो वो विश्वास कायम रखना चाहिए माता पिता पे, मेरा तो ये कहना है। और माता पिता से मैं कहना चाहूँगा कि बच्चों पर विश्वास रखना चाहिए। ठीक है, एक बार नहीं हुआ तो क्या हुआ, सेकेंड बार करें, लेकिन करेगा तो वो करना उसी को है। हम तो सिर्फ गाइड कर सकते हैं, उनको सोर्सेज दे सकते हैं, और ये जरूरी नहीं कि सबके पास सब सोर्सेज हो, तो लेकिन उन लिमिटेड सोर्सेज में भी हम अच्छा कर सकते हैं, ऐसी कोई है नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है कि लिमिटेड सोर्सेज में नहीं हो सकता। और बाकी तो सर बहुत अच्छे से गाइड करते हैं, जैसा मैंने कई बार देखा भी है, इनकी वीडियो भी मैंने जब बच्चे पढ़ते थे तब भी देखी है, तो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। और मैं कह रहा हूँ कि अगर उसको ठीक से इम्प्लीमेंट किया जाए, मतलब उसके प्रति ईमानदारी बढ़ती जाए, हम एक दो तीन रिविजन करें, और सबसे मेन टाइमिंग, टाइम फैक्टर का सबसे, समय सबके पास बराबर है, वही 24 आवर होते हैं, हम उसको मैनेज कैसे करना है। हम क्या करते हैं बच्चे, मैगजीन बच्चे, हमने भी वैसा ही किया था कि पहले जब एग्जाम होती थी एक महीने पहले लगते थे, उसमें हम 15 घंटे लग जाते थे सोने, लेकिन वो इतना महत्व नहीं करता। आपको रेगुलर करना पड़ेगा, आपके 6 महीने पहले एग्जाम है, 5 महीने पहले एग्जाम है, तो लगना पड़ेगा उसके लिए, वो रेगुलर करना पड़ेगा। उसमें थोड़ा सा सैक्रिफाइस भी करना पड़ेगा कि रोज पार्टियों में जाना, ये सब थोड़ा सा नहीं करना चाहता, लेकिन ये भी आपको सैक्रिफाइस करना ही पड़ेगा। बहुत मतलब ऐसा लग रहा है सुनते जाओ, मतलब आपकी बातें, ये आप नहीं बोल रहे हैं, ये आपका एक्सपीरियंस बोल रहा है, आपका जो आपने जिंदगी देखी वो बोल रहा है, और ये तो हम लोग के लिए एक बोनेंजा है कि जो चीज़ जो ये बोल रहे हैं अगर हम आज से इम्प्लीमेंट कर ले तो हम तो बहुत सही पोजिशन में आ जाएंगे आज से। कभी कभी सीखने को सारी उम्र लग जाती है, कभी कभी चाहो तो वही सब चीजें एक दिन में सीखा जा सकता है, एक पल में सीखा जा सकता है। वो कहते हैं ना जिंदगी एक पल में नहीं बदलती, मानता हूं मैं, मगर ठान लो तो एक दिन जरूर बदलती है। तो वो चीज जरूरी है, वो चीज जरूरी है। और आपसे बात करके मैं भी बहुत मोटिवेटेड रहा हुआ हूँ, और मेरे ख्याल से पीयूष तो फिर हमेशा ही मोटिवेटेड रहता होगा। आज पता चला पीयूष की सफलता के पीछे उनके माँ बाप का हाथ है। ये मतलब मैं अनकट बोल रहा हूँ, ये मतलब कोई कंडीशन अप्लाई नहीं है इसमें। अगर पीयूष की सफलता के पीछे आपके पूरा सहयोग है, आपका कॉन्फिडेंस है, आपका मार्गदर्शन है, तभी जाके पीयूष आज इतना अच्छा कर पाया। तो ये सारा क्रेडिट आपको जाता है, तो मैं आपको प्राइज देना चाहता हूँ पीयूष के साल से ज़्यादा। आप, मेरे को लगता है कि आप इसके हकदार हैं, प्लीज़ आप इसे एक्सेप्ट कीजिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू फ्रेंड्स। कोई भी क्वेरी है तो आप जरूर पूछिएगा, और आप भी अच्छा कर सकते हैं, आपको भी मौका मिल रहा है, आप क्यों पीछे जा रहे हैं, आपको भी अच्छा करके दिखाना है। थैंक यू सो मच।